गणतंत्र दिवस के अवसर पर धार कलेक्टर पंकज जैन ने कलेक्टर कार्यालय में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं आज शाम को भारत पर्व कार्यक्रम पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। जिले में इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह सादगी के साथ मनाया जा रहा है। स्कूली बच्चों को इस आयोजन से दूर रखा गया है क्योंकि जिले में संक्रमण का खतरा काफी बढ़ा हुआ है। वर्तमान में ही 1300 से अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। ऐसे में बच्चों को छोड़कर अधिकारी व कर्मचारी मास्क का उपयोग करते हुए ही आयोजन में शामिल हुए। इसके बाद विभिन्न शासकीय विभागों की योजनाओं पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। अंत में कर्मचारियों को पुरस्कार का वितरण करते हुए आयोजन का समापन हुआ। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी देवेंद्र पाटीदार व विधायक नीना वर्मा भी उपस्थित थीं। आज के दिन सबसे पहले तो मैं भारत के 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और इसके साथ ही हमको एक बहुत सुखद जो परिणाम हमारे पूरे स्वास्थ्य विभाग के अमले सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग सभी जिलेवासियों के सहयोग से और सभी विभागों के सहयोग से जो परिणाम मिला है कि 15 से 17 वर्ष के टीकाकरण में धार जिले में जो हमने किशोर और किशोरियों का टीकाकरण है वो 100% लक्ष्य को कंप्लीट किया है और धार इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है। तो इस सब के लिए आप सभी का जिलेवासियों का सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारियों का और समस्त मीडियाकर्मियों का बहुत बहुत आभार। गणतंत्र दिवस की शाम को आयोजित होने वाला भारत पर्व पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में होगा। आयोजन में मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्योग मंत्री व विधायक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सांसद छत्तर सिंह दरबार सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। धार से मृदुभाषी के लिए गोलू पटेल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।